हेलो गैर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एमडी साइम, और डेली बेसिस पे फ्री जॉब्स इन्फॉर्मेशन दुबई के रिगार्डिंग से, जो कि डायरेक्टली बड़ी बड़ी कंपनी, सुपरमार्केट, होटल्स की साइट से होती हैं, बिल्कुल फ्री में आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ और बता देता हूँ आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या वैकेंसीज आई हुई हैं, और ये कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे सकती हैं। आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनली लेवल है, लेकिन जो बेस्ड है वो अबू धाबी बेस्ड एक कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का नाम आपने सुना होगा, ADNOC। इसकी वैकेंसीज मैंने लगभग 1 या 1.5 महीने पहले आपके साथ शेयर करी थी, लेकिन आज की वीडियो में कुछ लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा चेकआउट करिएगा और CV पे अच्छे से कंसंट्रेट करके ध्यान लगा करके अप्लाई करिएगा। चलिए आगाज वीडियो करते हैं, देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज है, कैसे आपने अप्लाई करना है। पूरा प्रॉपरली मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर के कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा और अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करके इस कंपनी में अपने CV को सबमिट कर सकते हैं और सिलेक्शन के लिए वेट कर सकते हैं टिल योर सिलेक्शन। वैकेंसीज के लिए आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए UAE आना पड़ेगा, या हो सकता है मे बी कंपनी आपका इंटरव्यू फेस टू फेस स्काइप के थ्रू भी ले सकती है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। ठीक, चलिए आगाज़ वीडियो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी कुछ खास नहीं है, 15 to 20 days मैंने अपने हिसाब से एक एवरेज कैलकुलेट करके रखी हुई है। आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करिएगा, क्योंकि वैकेंसीज इतनी बड़ी कंपनी में आती और जाती रहती हैं। वैकेंसीज की लिस्ट आपके सामने है दोस्तों। स्पेशलिस्ट डाटा क्वालिटी चाहिए दोस्तों, मैनेजर चाहिए HSC डिपार्टमेंट में, और हेड ऑफ डिसिप्लिन चाहिए जियो साइंस डिपार्टमेंट में, सीनियर स्पेशलिस्ट चाहिए दोस्तों जो कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल डिपार्टमेंट में चाहिए, सीनियर लीगल काउंसिल चाहिए, सीनियर प्रोजेक्ट QA QC इंजीनियर्स की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, सीनियर इंजीनियर चाहिए मैकेनिकल लर्निंग डिपार्टमेंट में, इंजीनियर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में चाहिए, एडवाइजर फैसिलिटीज इंटीग्रिटी ऑफ ऑनशोर डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है। ये सारी वैकेंसीज इंजीनियरिंग और ऑयल और गैस की मिक्सअप है। एक अगली लिस्ट भी आपके सामने है इसी कंपनी में। एक स्पेशलिस्ट चाहिए दोस्तों, टीम लीडर चाहिए, एनालिस्ट चाहिए IT सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, एक स्पेशलिस्ट HSC चाहिए दोस्तों, एडवाइजर चाहिए स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट में, एक मैनेजर चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए अनकन्वेंशनल डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब देखिएगा, वैकेंसीज थोड़ी अटपटी हैं, यानी कि थोड़ी डिफरेंट क्वालिटी की है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको इस कंपनी में वर्क करना है तो अपने CV को, अपने डाटा को, इनके जो डाटा फॉर्म है, जो इनका कैरियर पेज है, वहाँ पर सबमिट ज़रूर करिएगा। सैलरी बेनिफिट जो ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको अट्रैक्टिव सैलरी, फ्री एजुकेशन, स्कूल बस फी, फ्री मील, कंपनी का अकोमोडेशन, फ्री वीज़ा, फ्री ट्रांसपोर्टेशन ओवर टाइम, एनुअल फ्लाइट टिकट्स, रिक्रिएशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन, फ्री मेडिकल इंश्योरेंस फॉर द फैमिली, स्टेइंग होटल फॉर फ्री एनीवेयर इन UAE, फ्री सेमिनार फॉर SME रिक्वायरमेंट। देखिए, इस बात की मेरी गारंटी है ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। ठीक, ध्यान रखिएगा, पूरी बात सुनिएगा, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। कंपनी जो है ADNOC, यानी कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है दोस्तों, अबू धाबी के अंदर इसका बेस है। सेलेक्टिव नेशनलिटी है इक्विवेलेंट डिग्री, एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन है सैलरी। बेनिफिट यहाँ पर स्टैंडर्ड मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर दिए, ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अप्लाई करने के लिए करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद पहले लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप UAE में रह करके अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड लिंक पर क्लिक करिएगा, या आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं www.realjobsindubai.in। इतना करने के बाद अब चलिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ कैसे आपको CV सबमिट करना है। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइज, वेबसाइट को विजिट करने के बाद और पोस्ट को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ADNOC की थोड़ी सी डिटेल्स आएंगी, ये डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। जो लेटेस्ट वैकेंसीज मैंने आपको भी दिखाई है वो मैंने अपडेट कर दी है। यहाँ पर देखिएगा, ये लेटेस्ट वैकेंसीज अपडेट हो चुकी हैं, जो पुरानी वैकेंसीज थी वो जा चुकी हैं। ठीक, अब आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर फ्रेशर जॉब, होटल जॉब, बिग कंपनी जॉब, गल्फ जॉब, सुपर मार्केट जॉब, कनाडा जॉब, वॉक इन इंटरव्यूज़, इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये इनके बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। देखिए, आपको लिंक्डइन का अकाउंट पहले ही क्रिएट करके रखना है। ठीक, अप्लाई करने के लिए सबमिट CV ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है, तो आप यहाँ से इनके लिंक्डइन पेज पे आ जाएंगे। ठीक, जहाँ पर वैकेंसीज कुछ लिस्टेड होंगी। अब मेन काम हमारा यहाँ पर नहीं है, आपको करना क्या है, ये जो वैकेंसी है पहली वाली, इस पर आपने क्लिक करना है अप्लाई पर। ठीक, अप्लाई पर क्लिक करते ही आप इनका जो कैरियर पेज की जो ये वैकेंसी है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने क्लिक करा, ये वैकेंसी आ जाएंगी, लेकिन हमें इसके लिए अप्लाई नहीं करना, हमने तो पहले सारी वैकेंसीज की लिस्ट देखनी है। तो आप सर्च जॉब पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी, जो मैंने आपको अभी भी दिखाई है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये जो लिस्ट थी ये वाली, सीनियर डाटा क्वालिटी मैनेजर, ये यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। ठीक, अब अप्लाई करने के लिए देखिए, लेटेस्ट अपडेट है 5 नवंबर का,
आप ये वीडियो हो सकता है लेट देख रहा हूँ या मैंने लेट बनाई हो, तो उसका कोई मैटर नहीं करता, एक दो दिन का फर्क हो जाता है। अब यहाँ से आपको सपोज करिएगा पहली वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, तो आपने वैकेंसी पे क्लिक करना है और अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पर है, इस पर क्लिक करना है। आप चाहो तो लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करें। देन आपको अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, ठीक, इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये मेरा ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी, आप चाहो तो आपका बना हुआ हो तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स, ईमेल एड्रेस वगैरह सब चीज़ें डाल देनी है। सब चीज़ें डालने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, मैं आपको साइन आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक, क्योंकि मैंने इसमें अकाउंट बना रखा है आपके लिए, पहले ही बना करके रख लिया ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक, यहाँ पर मैं आपको साइन आउट करके बैक टू होम मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है। ठीक, यहाँ पर हमने क्लिक करा, अब अप्लाई देखिए, अब जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपके सामने पहले मैं बता दूँ किस तरह का इंटरफेस आएगा। अकाउंट तो आप बना ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सीएस इस वैकेंसी है, ये वैकेंसीज की डिटेल्स आपके सामने आएंगी, इन डिटेल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है अप्लाई करने से पहले। अब यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट्स है, आपको सीवी कंपलसरी है, कवर लेटर आपकी मर्जी है, मेन प्रोफाइल में जो जो स्टार्स बने हुए हैं वो कंपलसरी फील्ड है यहाँ पर, वो तो आपको डालने ही डालने हैं। ठीक, यहाँ पर आपका प्रोविजन एक्सपीरियंस वो आपकी मर्जी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी कंपलसरी है डालना, और यहाँ पर सर्टिफिकेशंस आपकी मर्जी है, लैंग्वेज स्किल्स कंपलसरी है डालना। ठीक, कुछ यहाँ पर लैंग्वेज स्किल्स, स्पीकिंग आपकी कैसी है, ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से, आप लर्न्ड है, इंटरमीडिएट है, ये हर किसी के अलग होते हैं। ठीक, बाकी जॉब स्पेसिफिकेशन में कुछ खास नहीं है, आपकी करंट सैलरी वगैरह वो पूछेंगे, वो आपको डालनी है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं, और ये करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, तो आपका सीवी सबमिट इजिली हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा दूँ ताकि आपको डाउट ना हो। अप्लाई पर क्लिक करना है और सारी जॉब्स को सर्च करना है, फिर किसी भी वैकेंसी के लिए जिसके लिए भी अप्लाई करना है उस पर क्लिक करना है, फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई नाउ करना है। ठीक, अकाउंट बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। देन आपको सारी डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, रिटाइप ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, रिटाइप पासवर्ड, फर्स्ट नेम, अपनी जो जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री का फोन नंबर, जिस कंट्री का आप रेसिडेंस है उस कंट्री का अपनी डिटेल्स, और हियर यहाँ पर इस पर क्लिक करके और रीड एंड एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करके ये सब आपको एक्सेप्ट करना है और एक क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, तो क्रिएट हो जाएगा। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा ये डिटेल्स फिल करने के लिए। तो ये इतना काम आपने करना है, आई होप आपके समझ में ये आ गया होगा, कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे वैकेंसीज़ को रीड आउट करना है, डिटेल्स को फिलअप करना है, सीवी अच्छे से मेंटेन करके बना करके आप सीवी सबमिट करिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आप पहला इंप्रेशन ही आपका लास्ट होता है। अगर आपका सीवी ही अच्छा नहीं होगा तो कोई भी जो एम्प्लॉयर होगा, रिक्रूटर होगा, वो आपके सीवी को रिजेक्ट कर देगा और नए सीवी पे, नए जो एप्लीकेशन आई होगी उस पर ध्यान देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, बाकी सीवी को मेंटेन करके अच्छे से अप्लाई करें। और जॉब्स आपको चाहिए हो तो हमारे सोशल लिंक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल वगैरह को फॉलो आप कर लें, आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मिल जाएंगे, या वेबसाइट पे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, किस तरह की आपको जॉब चाहिए, कमेंट बॉक्स को लाए कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।